सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल सोबिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोबिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सोबिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चारकोल फेस मास्क। ये जो चारकोल फेस मास्क है, ये आपके फेशियल हेयर, अनवांटेड फेशियल हेयर, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलते हैं आज के नुस्खे की जानिब। सबसे पहले आपको चाहिए चारकोल पाउडर एक चम्मच, फिर इसमें एक चम्मच जेलेटिन पाउडर डाल लें और लास्ट में हम डालेंगे चार चम्मच गर्म पानी के। पानी डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को गर्म कर लें ताकि जल्दी से अच्छे से मिक्स हो जाए। चारकोल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चारकोल हमारे फेस पर मौजूद ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करता है। इस मिक्सचर को आप जल्दी से लगा लें ताकि ये जम ना जाए। और हाँ, इतना ख्याल रखें कि ये गर्म ना हो, इसलिए इसे फेस पर लगाने से पहले अपने हाथ पर लगाकर चेक कर लें। अब इसे अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लीजिए और फिर इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये मास्क पूरे तरीके से सूख जाएगा तो इसे आप नीचे से धीरे धीरे उतारना शुरू कर दें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या ऑलरेडी स्किन पर पिंपल्स हैं तो आप इस मास्क को अप्लाई मत कीजिएगा। ये मास्क सख्त है, इसके लिए इसे निकालना थोड़ा पेनफुल होता है, इसलिए इसे धीरे धीरे उतारिएगा। मास्क को उतारने के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लीजिए और फिर थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेकर उसे चेहरे पर लगा लें। ये मास्क आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने के साथ साथ आपके अनवांटेड हेयर को भी रिमूव करने में आपकी मदद करेगा। तो चलते हैं आज के मैसेज की जानिब। ये ज़िंदगी दो दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरे दिन तुम्हारी मुखालफत। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन कुरूद मत करो और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। तो जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।